We will make electricity so cheap that only rich will burn candles. हेलो लाइडन फैमिली, मेरा नाम है अभिनव और ये कोट है थॉमस एडिसन का और उन्होंने बहुत ही सारी डिवाइसेस डेवलप की इन द फील्ड ऑफ पावर जनरेशन। बट क्या उन्होंने 100 साल पहले ये सोचा होगा कि आज के टाइम में इतने डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा होगा। फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ कोल, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग। दिल्ली इज फेसिंग अ हीट वेव विद टेंपरेचर्स अबव 43 डिग्री सेल्सियस। पावर शॉर्टेज हैज रिजन टू 31% इन जस्ट 2 days. In an emergency move, the centre today cancelled 42 passenger trains to make way for trains that will rush coal supplies to power plants. ज़्यादातर plants में 1 से 2 दिन का स्टॉक बचा है। जी हाँ, और आज का टॉपिक है पावर क्राइसिस इन इंडिया। अप्रैल का मंथ है एंड द टेम्परेचर हैज reached to 43 degrees Celsius, which has broke a record of 72 years. बहुत ही सारे लोग avoid करते हैं to step out because they don't want to face the scorching heat outside. और इस time पर जब electricity की demand is all time high in India, there are so many states in India who are actually facing load shedding of up to 8 hours in a day. लेकिन ये क्राइसिस होता कैसे है और क्या है इस क्राइसिस की वजह, इसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश के अंदर गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त हमारे देश के अंदर कोल की शॉर्टेज है बहुत ही ज़्यादा। जो हमारा डिमांड है और जो हमारी कोल की सप्लाई है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट है और उसकी कई सारी वजह हैं। हमारे देश के अंदर 70% इलेक्ट्रिसिटी आज भी थर्मल पावर स्टेशन से बनती है और थर्मल पावर स्टेशन को चलाने के लिए चाहिए कोल। ये क्राइसिस आज शुरू नहीं हुआ, ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर, जब पोस्ट मॉनसून शावर्स की वजह से और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन्स की वजह से हमारे देश के अंदर जो कोल का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ। और इसके साथ साथ कोविड-19 की वजह से इंडिया वॉज नॉट एबल टू इम्पोर्ट कोल फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। और जनाब, आइसिंग ऑन द केक इज द यूक्रेन एंड रशिया वॉर। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, अब इसमें यूक्रेन और रशिया का वॉर का क्या लेना देना है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से। इंडिया रशिया से लो ऐश कोल इंपोर्ट करता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉर वी आर नॉट एबल टू इंपोर्ट दैट कोल एज वेल। सो बेसिकली सबसे पहले इंडिया के अंदर कोल प्रोडक्शन का कम होना, बाहर से कोविड की वजह से ऑस्ट्रेलिया और वॉर की वजह से रशिया जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट का और भी कम हो जाना बहुत ही बड़ा फैक्टर है इंडिया के अंदर थर्मल प्लांट्स जो हैं वहाँ तक कोल की सप्लाई ना हो पाना। कंट्री के अंदर 100 थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट के भी 25% से भी कम रिजर्व्स हैं इस टाइम पर कोल के, और इसके साथ साथ 50 थर्मल पावर स्टेशंस हैं जहां पर कोल 10% भी अवेलेबल नहीं है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। और इसके लिए दिल्ली के सीएम हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया कि एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि दिल्ली मेट्रो कैन ऑल्सो कम टू अ हॉल्ट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेजेस। और क्या आप जानते हैं, पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कोल का वो करती है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, एंड एवरी सिंगल स्टेट ऑफ इंडिया इज रीचिंग टू देम सो दैट दे कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कोल टू दीज स्टेट्स। और अब बात करते हैं कुछ मेजर्स की जो सेंटर ने लिए हैं इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले CIL ने ये प्रॉमिस किया है स्टेट्स को कि वो 14% ज़्यादा कोल प्रोवाइड करेगी थर्मल पावर स्टेशंस को, जो उन्होंने किया था पिछले साल अक्टूबर में। और इसके साथ साथ जो भी रिसेंटली कोल इंपोर्ट किया गया है इंडिया के अंदर उससे एक्सपेडाइट करके थर्मल पावर स्टेशंस तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सेंटर ने इंडियन रेलवेज को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि वो 600 पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसिल करें ताकि जो कोल फ्रेट ट्रेन्स हैं वो जल्द से जल्द इन थर्मल पावर स्टेशंस तक कोल को पहुंचा सकें और इस क्राइसिस को मिटिगेट कर सकें। फ्रेंड्स, दिस इज द पावर क्राइसिस इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ एंड दीज आर सम स्टेप्स व्हिच हैज बीन टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम आशा करते हैं कि ये क्राइसिस जल्दी ही ख़त्म होगा और जो स्टेट्स लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं 8 घंटे से भी ज़्यादा, वो कम हो सके। और इसी के साथ आप क्या सोचते हैं इस करंट टॉपिक के बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। सो प्लीज़ गिव अस अ बिग थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा कॉन्टेंट लेकर आ सकें। और वी रियली होप वेरी सून वी विल बी रीचिंग टू द पॉइंट, एज आई मेंशन इन द बिगनिंग, वी विल मेक इलेक्ट्रिसिटी सो चीप एंड रेडीली अवेलेबल so that only rich will burn candles. This is Abhinav Sharma signing off.